हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्व और आप देख रहे हैं लर्न बेसिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल का जो होम पेज होता है उसमें अगर हमें कोई कस्टम इमेज लगानी हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं सामने गूगल दिख रहा है आपको, अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे कोई इमेज आए, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे गूगल में बैकग्राउंड में इमेज सेट करते हैं, यानी कि जो आपको जो गूगल दिख रहा है इसके पीछे इमेज आएगी, ट्रांसपेरेंट इमेज होगी बड़ी सुंदर सी, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं चलिए ये जान लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको जाना होगा राइट हैंड साइड में नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। तो ये आपको कई सारे ऑप्शन दे रहा है, बेसिकली दो ऑप्शन यहाँ पर है, क्रोम बैकग्राउंड्स और अपलोड एन इमेज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रीस्टोर डिफॉल्ट शॉर्टकट, यानी कि जो पहले था वैसे कर देगा, ठीक है, लेकिन हमें पहले यही दोनों चेक करना है। तो गूगल ये जो क्रोम बैकग्राउंड्स का मतलब है कि क्रोम के खुद के दिए हुए कुछ बैकग्राउंड्स हैं गूगल क्रोम के, जो आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अपलोड एन इमेज, मतलब अपनी खुद की इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाई वन देखते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेज देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, हम इसमें से अर्थ वाला ले लेते हैं, ठीक है, पहली आप इमेज चूज कर लेते हैं, डन पे क्लिक कर देते हैं। अभी देखिएगा ट्रांसपेरेंट इमेज आ जाएगी पीछे बैकग्राउंड में और बहुत सुंदर लगेगा, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा एक ट्रांसपेरेंट इमेज आ गई और ये देखने में काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा, ठीक है। अब चलिए एक अपनी खुद की इमेज ले लेते हैं, अपलोड इमेज में लिखा हुआ इस पर क्लिक करिए। अभी आपसे इमेजेस पूछ रहा है, कोई भी इमेज आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपको, चलिए मान लीजिए हमने ये ले लिया, अब देखिएगा ये देखिए है ना बहुत ही खूबसूरत सा। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज अपनी चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में और मतलब अपने गूगल होम पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी खुद की इमेज भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।